चिन्नू ने बताया कि ये लिपस्टिक से हुआ है यार, ये लिपस्टिक रेड कलर की लिपस्टिक काइंड ऑफ चीज है जिससे ये कॉन्टोरिंग करने का ट्राई किया है। ये मैंने आज तक नहीं होते हुए देखा किसी के साथ भी। ये क्या है, दोनों साइड है मेरे बाल, मतलब मेरे ये जो है ना ये पूरे लाल हो रखे हैं। बैक टू आवर चैनल। आज से शुरू हो रहा है वैलेंटाइन वीक, जिसमें हम डेली एक एक वीडियो डालने वाले हैं, दैट इज मंडे टू संडे, एंड बहुत मजा आने वाला है। तो आज का वीडियो से जो शुभ आरंभ हो रहा है वो है आई एम गोइंग टू गो टू द वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट इन जयपुर फॉर माई वैलेंटाइन लुक। मुझे नहीं जाना, ये मेरा पूरा मुंह खराब हो जाएगा, ये करवा लिया गाइस मुझसे। सर भी नहीं बैठ सकती। ये बच्चा किसका हो गया? वहाँ जाते ही उन्होंने बड़े अच्छे से मेरी फेस की क्लीनिंग करी पानी से, और इस टाइम तक तो मैं ऐसा फील कर रही थी आप वाटर से क्लीन करेंगे। सबसे बेस्ट प्लेस पे आ गई। देन मेरे मुंह से झूठों की थोड़ी बारिश हो रही थी, वो तो आप सुन ही सकते हो। फिर उन्होंने ना मेरे मुंह पे लोशन से इतना मसाज किया कि मुझे लगा कि मैं शायद गलत जगह आ गई, पर मजा बड़ा आया। यहाँ पे आंटी का जो मेरे लाइनर हटाने में मेहनत लगी है ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, इतना रगड़ा, फिर भी मनुष्य लाइनर जाता नहीं। तो आंटी ने हार ही मान ली और ऐसे ही छोड़ दिया कि बोलो छोड़ो यार, ऐसी रहने दो, किसको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ मुझे लगा कि कोई तो प्राइमर लगेगा, बट नहीं, सीधा ही फाउंडेशन चिपका दिया। और यार शेड की तो बात बाद में करेंगे, ये फाउंडेशन कौन मसाज करके लगाता है? उन्होंने कैसे न तैसे बेल बेल के ब्लेंड तो कर दिया, बट लग रही हूँ ना मैं प्रॉपर सफेद चुड़ैल। बट रुको, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है दोस्तों। आंखों के लिए तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूं, मैं उन्होंने सिर्फ वो आई शेडो ब्रश नहीं आता स्पॉन्ज वाला, सिर्फ उससे पूरा का पूरा आई मेकअप कर दिया यार। बस देखते जाओ, और लिटरली आंखों में कुछ ब्लेंडिंग नहीं करी, सिर्फ ड्रॉइंग ही कर दी है। फिर जब मैंने थोड़ा सा मेंशन किया ना कि ऐसे ही ड्रॉ करा हुआ लग रहा है तो स्प्रेड करेंगे ना, तो उन्होंने ग्लिटर शेड की एक लिक्विड लगा दी। पर यार लिक्विड कौन लगाता है, उसे क्रीज पे कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो क्रीजिंग कर देती है। पर कोई ना, अब मैंने आंटी का दिल रखने के लिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा है बोल दिया, पर मेरा दिल ही जाता है, मैं क्या फील कर रही थी। ओ अरे, ये क्या स्केच पेन है भाई, इसे तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे लिटरली इससे लाइनर बनी है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। हाय, और ये एंड के विंग्स को क्या हो गया, बीमार क्यों लग रहे हैं? इन बीमार लाइनर को छोड़ के आंटी ने मस्कारा ही लगा दिया, बोलो बीमारों की कदर ही नहीं है। अब यहाँ मुझे चुड़ैल बनाने की पूरी कोशिश की गई है, मेरे को पक्का पता है, क्योंकि मुझे स्माइल मारने को कह तो दिया, मैंने भी प्यार से स्माइल मार दिया, बट ये क्या है यार, चुटकी ही समझ लिया इन्होंने तो, मुझे ऐसे चीक्स तो उसके ही होते हैं यार। और यहाँ तो मैंने उन्हें कहा तक था कि मेरा कॉलेज का फेयरवेल पार्टी है, ये तो इन्होंने मेरे दुनिया से फेयरवेल का लुक बना दिया। आंटी आप वो नहीं करेंगे क्या, जो वो ब्राउन करते हैं ना, जिससे पतला लगता है? हाँ, ब्राउन, वाह देखो कितना स्टूपिड दिखने का ट्राई किया है मैंने, जिससे आंटी को थोड़ा अच्छा फील रहे। ऐसे थोड़ी लगता है कॉन्टोर, वो भी लाल रंग का, लगानी थी लिपस्टिक तो थोड़ी ब्राउन कलर की लगा देते। और अभी मेरे अच्छे खासे स्किन पे 2 दिन का लाल बर्थ मार्क दे दिया इन्होंने, तो और क्या ही कर सकते हैं। इनको लगा कि ब्लेंडिंग के लिए हाथ ही बेस्ट है, क्योंकि हाथों से अच्छा तो फिर क्या ही होता है, राइट? पर यार मैंने तो इनके यहाँ पे स्पंज भी देखा था, पता नहीं इन्होंने स्पंज क्यों नहीं यूज किया, इनको शायद लगा नहीं कि मैं लायक हूँ स्पंज के। और यार नोज कॉन्टोरिंग तो देखो यार, वो भी लाल कर दिया, पूरी लाल मुंह की बंदरिया बना दिया मेरे को, पक्का आंटी भी मन में तो हंसी रही होंगी। अब बारी है होठों की, और यहाँ तो बढ़िया लाइनर भी यूज हुआ है यार, तो मुझे तो पूरी उम्मीद अच्छी थी कि लिप्स तो अच्छे बन जाने, पर लाइनर से इन्होंने मेरे लिप का शेप ही अलग कर दिया यार। वैलेंटाइन वीक को मेरे से ज्यादा तो इन्होंने सीरियस ले लिया, और मेरे लिप्स को नॉर्मल शेप की जगह ऊपर से दिली बना दिया, और वो भी टेढ़ा मेढ़ा यार। एनीवेज गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, होप आपको भी अच्छा लग रहा हो।
छोड़े। हमें इस पे चढ़ जाएंगे, बिल्कुल इसी के टाइप की लग रही है जो भी चमक रहा है यहाँ पे। शादी है क्या? अच्छा जितना चिन्नु शूट कर सकती थी वो सब चिन्नु ने कर लिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ। और जितना मिल गया और मिल गया, मम्मी का रिएक्शन जरूर देख लेते हैं। तो लेट्स गो, तू तो नहीं आएगी। मम्मी मेरा मेकअप कैसा है? का बवासीर बना दिया हो इधर ताजू, इधर आना। अच्छा लग रहा है। So that is it guys, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के वर्स में जाऊँ या बेस्ट में जाऊँ, कुछ भी जाऊँ, क्योंकि कहीं पे भी जो भी काम कर रहा है यार वो बहुत मेहनत से कर रहा है, जितना भी कर रहा हो और जितना उसको आता होता है वो उतना करता है। बट या दैट इज ऑल अबाउट दैट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस हफ्ते फुल वीडियोज आने वाली है। तो मैं अब आपसे कल वाले वीडियो में मिलती हूँ गाइज, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा बहुत ही अच्छा रहेगा, देख लो। 3, 2, 1.